जय हिंद दोस्तों। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद राजस्थान में स्कूल खोलने के फैसला टाल दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल नहीं खोलने को लेकर थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो गई है, इसलिए राजस्थान में स्कूल नहीं खुलने वाले। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत से लोगों को चिंता की वजह से इस फैसले को टाल दिया गया। उनकी चिंता भी वाजिब है, उनका एक ही बेटा है। अब शहरों में ये ट्रेंड भी चल रहा है कि बेटा एक ही होना चाहिए। चिंता ये है कि यदि उसे कोरोना हो गया तो परेशानी हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सीकर के सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में ये बात कही। मंत्री डोटासरा ने बताया कि बच्चों की परीक्षा कोरोना काल के अधूरे रह गई। दूसरे साल हमने अन्य तरीके से पढ़ाई करवाने का प्रयास किया। कोरोना के दौरान जो मंजर देखा है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आज भी हम स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। डोटासरा ने कहा है कि हमने स्कूल खोलने को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा की, सब ने सहमति जता दी। विशेषज्ञों ने भी कहा कि छोटे बच्चों को स्कूल खोल देने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ने कहा कि दूसरे स्टेज में बच्चे जो हैं वो स्कूल खोलने के लिए सहमत हैं, उनकी सहमति भी बनी। तमाम विशेषज्ञों से चर्चा की गई। दूसरे दिन जब हम गाइडलाइन बनाने लगे, तमाम विशेषज्ञों से चर्चा हुई, भारत सरकार के अधिकारियों से भी चर्चा हुई, विदेश के एक्सपर्ट्स से भी राय ली गई। एक बात निकल कर सामने आई कि थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए CM ने पुनर्विचार करने पर कहकर 5 मंत्रियों का समूह बनाकर चर्चा करने की बात जो है डाल दी। चिंता के कारण जो है ये फैसला अभी टाल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत को लोगों की चिंता है, इसलिए स्कूल खोलने को लेकर फैसला टाल दिया गया है। गांव से लेकर या फिर बात करें स्कूल भेजने के लिए तैयार होने कर, जबकि शहरों के लोग जो है वो तैयार नहीं हो रहे। गाँव के लोग हैं, उनकी चिंता वाजिब बताई है। उनका एक बेटा है और ये ट्रेंड चल रहा है कि एक ही बच्चा होना चाहिए। ऐसे में अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो माता पिता के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी ये परेशानी है कि स्कूल नहीं खोले जाएंगे, चाहे बच्चे पिछड़ते रहें, जो कुछ उन्होंने पढ़ा था उसे भूले लगे हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। आप लोग भी अपनी जो प्रतिक्रिया है स्कूल खुलने को लेकर वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर स्कूल खोलने की स्थिति क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या सहमत है इस चीज़ से कि स्कूल जो हैं वो कॉलेज जो हैं अब खुल जाने चाहिए, या फिर सरकार को अभी और इंतजार इस विषय में करने की आवश्यकता है। आपके जो कमेंट्स हैं वो बेहद बहुमूल्य हैं। स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई सभी बड़ी अपडेट्स, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन लर्निंग, मोबाइल अर्निंग, ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। अगर आप भी बनना चाहते हैं ऑनलाइन ट्यूटर या टीचर, तो आज के डेट में सबसे सेफ और ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो लाखों टीचर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने की और घर बैठे ऑनलाइन अर्न करने की, तो ऐसा बेहतरीन टीचर ऐप मैं कह सकती हूँ फिलो ट्यूटर ऐप, जहां पर स्टूडेंट्स के डाउट टीचर्स विद इन 15 सेकेंड्स में सॉल्व कर लेते हैं, जब वो अपनी क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजते हैं या अपने डाउट को लिखकर उनसे पूछते हैं। तो ऐसे टीचर अगर आप बनना चाहते हैं जहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप फिलो ऐप पर एज अ ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके कंप्लीट प्रोसेस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, किस तरीके से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे रजिस्टर करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। साथ ही साथ इस ऐप पर डायरेक्ट आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो एज अ टीचर आप लोगों के सामने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम काम करने की और अर्न करने की। तो अभी कभी जाइए और फिलो ट्यूटर ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।